फ्रूट कस्टर्ड, जो भी फ्रूट मिले आपको ले लीजिए। ये थोड़ा सा अंगूर है और ये दो छोटे साइज का सेब है। और जब भी कस्टर्ड पाउडर घोलिए तो ठंडे दूध में ही घोलिए, 2 से 3 चम्मच तक लीजिए। ये छोटा चम्मच है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिए। अब दूध को गर्म करेंगे। अब ये दूध गर्म हो गया है। ये पहले से उबला हुआ दूध था। फ्लेम को लो कीजिए और डालते जाइए कस्टर्ड पाउडर और पिलाते जाइए। अब इसमें डालिए 3 से 4 चम्मच चीनी। और इसको लगातार चलाते हुए पकाइए। ये अच्छी तरह से इसको उबाल लीजिए। उसके बाद अब ये पक गया है, फ्लेम को कर दीजिए ऑफ। और अब इसको पूरा ठंडा होने दीजिए। जब ये पूरा ठंडा होगा तब इसमें ये फ्रूट सब डालेंगे। अब ये पूरा ठंडा हो गया है। अब इसमें डालिए फ्रूट्स। आप इसमें अनार, केला सब डाल सकते हैं, जो भी फ्रूट्स आपको पसंद हो। अब इसको आधा घंटा या 1 घंटा के लिए फ्रिज में रख दीजिए। अब ये ठंडा हो गया है। ये फ्रूट कस्टर्ड बनके तैयार है। इसको जरूर बनाइए, ट्राई कीजिए। मेरे चैनल पे बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।